हेलो चिल्ड्रन टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट लेसन नंबर टू आवर फूड ऑफ क्लास टू सब्जेक्ट एस एस टी इन दिस लेशन वी विल लर्न अबाउट आवर फूड तो बच्चों इस पार्ट में हम लोग किसके विषय में पढ़ेंगे आवर फूड यानि हमारा भोजन तो वी ऑल ईट फूड टू लीव एंड ग्रो हम लोग सभी भोजन करते हैं जीने के लिए बढ़ने के लिए है ना? भोजन हम लोग क्यों करते हैं जीने के लिए जीवित रहने के लिए बढ़ने के लिए ग्रो करने के लिए फूड मैक्स अस स्ट्रांग एंड हेल्दी भोजन हमें मजबूत और स्वस्थ बनाता है फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले भोजन हमें काम करने के लिए और खेलने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है ऊर्जा देता है अब आगे नेक्स्ट पॉइंट आते हैं ओके okay? तो नेक्स्ट पॉइंट है शोर्सेस ऑफ फूड यानी भोजन के स्रोत अगर हम लोग भोजन जो करते हैं वो आता कहाँ से कभी आपने सोचा है कि भोजन कहाँ से आता है तो आवर फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स हमारा भोजन पौधों और जानवरों से आता है तो प्लांट्स गिव अस फ्रूट्स वेजिटेबल्स ग्रेन्स स्पाइसेस एंड ऑल्स पौधे हमें फलों सब्जियां अनाज मसाले और तेल प्रदान करते तेल देते हैं ओके विथ राइस मैज बार्ली एंड ओट्स आर ग्रेन्स गेहूं धान मक्का जौ एंड जेई ये सब क्या है अनाज है अनाज है कार्डमम क्लाउट पेपर सॉल्ट टर्मरिक इटिशिया तो जैसे इलायची लौंग काली मिर्च नमक हल्दी इत्यादि ये सब क्या है मसाले हैं दे एड फ्लेवर टू आवर फूड ये हमारे भोजन यानी हमारे भोजन के स्वाद को बढ़ाता है मसाला ये सब मसाले जो हमारे भोजन के टेस्ट को हमारे भोजन के टेस्ट को वो बढ़ाता है स्वादिष्ट बनाता है वी गेट मिल्क एग्स मीट इट फ्रॉम एनिमल्स हम लोग कहाँ से पाते हैं दूध अंडे मांस इत्यादि ये सब हमें ये सब हम जानवरों से प्राप्त करते हैं जानवरों से हमें मिलता है मेनी प्रोडक्ट्स सच एज बटर चीज कर्ड एंड घी आर मेड फ्रॉम मिल्क्स मिल्क बहुत सारे उत्पाद जैसे कि मक्खन पनीर दही घी ये सब दूध से बने होते हैं दे आर कॉल्ड मिल्क प्रोडक्ट इसको हम लोग मिल्क प्रोडक्ट कहते हैं अब है फूड ग्रुप्स फूड ग्रुप्स क्या है तो फूड ग्रुप फूड इज डिवाइडेड इंटू थ्री ग्रुप्स भोजन को तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया तीन भागों में बांटा गया है सच एच एनर्जी गिविंग फूड यानी ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन तो एनर्जी गिविंग फूड जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे फूड सच फूड्स सच एच पोटैटो राइस सुगर इट इी गिव अस ऑफ एनर्जी भोजन जैसे कि आलू चावल चीनी ये सब क्या है इत्यादि ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन है इसमें प्रचुर मात्रा में एनर्जी होता है ये हमें प्रचुर मात्रा में एनर्जी देती है दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड इसलिए से हम लोग एनर्जी गिविंग फूड यानी ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन कहते हैं आगे है आगे दूसरा इसका पार्ट जो है भोजन का है बॉडी बिल्डिंग फूड बॉडी बिल्डिंग फूड यानी शरीर का निर्माण करने वाले भोजन तो फूड फूड्स सच एज मिल्क एग्स पल्सिस मैकावर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रोंग तो ऐसे भोजन जैसे कि दूध अंडा दाल ये सब हमारे बोन्स को हमारे हड्डी और मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं और हमें बढ़ने में मदद करता है इसलिए इसे बॉडी बिल्डिंग फूड कहा गया है दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड तो वे कौन से भोजन हो गए वे बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाते हैं ये सारे फूड उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे शरीर का निर्माण करने वाले भोजन तीसरा है प्रोटेक्टिव फूड प्रोटेक्टिव फूड मीन्स सुरक्षात्मक भोजन यानी सुरक्षा शरीर को सुरक्षा प्रदान करने वाले डिजीज से बचाने वाले भोजन कौन कौन से हैं जैसे फूड सच एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अस फ्रॉम डिजीजेज एंड कीपर्स हेल्दी भोजन ऐसे भोजन जैसे फल सब्जियाँ ये सब हमें हमें हमारे शरीर की बहुत सारे रोगों से रक्षा करता है हमारी बहुत सारे रोगों से रक्षा करता है एंड हमें स्वस्थ रखता है फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब तो इसलिए इन्हें प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं तो दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड कौन से फूड हो गए प्रोटेक्टिव फूड हो गए यानी सुरक्षात्मक भोजन कहलाते हैं Uh, so, children, it is the first part of this lesson. I will meet you with the next part where we will learn about else in a day. Okay.